हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव का है, एक्सरसाइज 5.4 है। तो इसमें एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ, क्या नाप होगा। वन में दिया हुआ है ए राइट एंगल, एक राइट एंगल का क्या माप होगा, और ए स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल का क्या माप होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, तो इसका माप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एक्यूरेट 90 डिग्री होगा। और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है, तो इसका मेजरमेंट जो है 180 डिग्री, एक्यूरेट 180 डिग्री होगा। ये हो गया, इन दोनों का आंसर यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, से ट्रू एंड फॉल्स, से ट्रू और फॉल्स मतलब सही या गलत बतलाना है। तो यहाँ पे द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक एक्यूट एंगल का माप जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो ये सही है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तो यहाँ पे 90 डिग्री से कम बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, इसको ट्रू लिख देते हैं। और यहाँ पे बी नंबर में द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक ऑब्ट्यूज एंगल का माप जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.3 में एक कॉन्सेप्ट बतलाया हुआ है एंगल का, उसमें पूरा डिटेल कर दिया है मैंने, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर उसको आप नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सी नंबर में द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये सही है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री और 360 के बीच में होता है, तो 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन 180 डिग्री बतला रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। उसके बाद डी नंबर में द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है पूरा जहाँ से चला वहाँ पूरा फिर से वहीं पे आ जाएगा, तो 360 डिग्री होता है, तो ये सही है 360 डिग्री। उसके बाद ई नंबर में इफ़ मेजर एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजर एंगल ए ग्रेटर देन मेजर एंगल बी, तो ए बड़ा बतला रहा है, तो ए यहाँ पे बड़ा है, 53 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ, क्या लिखने के लिए कह रहा है, सम एक्यूट एंगल्स, कुछ एक्यूट एंगल का एग्जांपल्स मांग रहा है कि वो कितना डिग्री का हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच, कम से कम दो एग्जाम्पल्स देना है दोनों में। तो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच का एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल्स होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं जो 90 से नीचे हो, आप 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री, या फिर आप 40 डिग्री लिख सकते हैं, दो एग्जांपल्स मांगा है, तो ये दो एग्जांपल्स हो गया। और सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल्स मांग रहा है, तो इसमें 90 डिग्री से आगे लिखना है मतलब बड़ा, तो इसमें 100 डिग्री लिख सकते हैं, 100 डिग्री, और 120 लिख सकते हैं, 120, बहुत सारा एंगल होगा, तो दो एग्जांपल मांग रहा है, तो दो एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे कह रहा है मेजर द एंगल्स गिवेन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर, यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है उसको प्रोटेक्टर के द्वारा मापना है और कितना डिग्री आ रहा है उस माप को भी लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, ये 45 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, तो इसको मैं माप के आपको दिखा देता हूँ। इसको मापने में आप इसको जो है पेज को अपने बुक को इधर उधर घुमा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल होगा उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है, और इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको रखना, ये यहाँ हो गया, और इसको लाइन टू लाइन बिल्कुल सीधा इसमें मिला देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 डिग्री,
तो ये 45 डिग्री हो गया। और उसी तरह से ये जो है यहाँ पे ये हो गया, इसको इस तरह से लाइन बाय लाइन मिलाना है, इस लाइन को मिलाना है बिल्कुल, ये लाइन खुद ब खुद आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मिलाएं और यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है, इस पर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 120 डिग्री, ये हो गया। और इस तरह से ये जो बिल्कुल सीधा दिख रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको देखने से ही पता चल जाता है कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बिल्कुल सीधा लाइन रहेगा। यहाँ पे आप इसको रखिए, ये देखिए बिल्कुल इस लाइन से और इस लाइन से मिल रहा है, यहाँ 90 लिखा हुआ है तो 90 डिग्री का ये एंगल है, यहाँ पे 90 लिख दिए हैं। और इसको मापने के लिए आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ये ले लीजिए, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री, ये इसके साथ मिला हुआ है और ये इसके साथ मिला हुआ है, 90 डिग्री हो गया। और इसको आप माप लीजिए, इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, यहाँ लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं, इसको मिलाइए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 डिग्री, ये है 60, इस लाइन पे ये आ रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। और इसको मापने के लिए को इधर से घुमाना पड़ेगा, ये हो गया, थोड़ा सा इसको इस तरह से करना होगा और यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन मिलाना है, ये हो गया, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ इस इन दोनों लाइन के बीच में ये आ रहा है, मतलब यहाँ कितना है 130 140, तो 30 40 के बीच में 35 ये बीच में आ रहा है, तो 135 ये 135 आ रहा है। इस तरह से माप के हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल्स कितना डिग्री का आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया, आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है। फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, सबसे पहले आप आकलन कीजिए, मतलब अनुमान लगा के बताइए कि कौन सा बड़ा है। तो ऐसे अनुमान लगाने से पता चल रहा है कि बी नंबर का जो एंगल है ये ज़्यादा खुला हुआ है, और जो जितना ज़्यादा खुला रहेगा उतना वो बड़ा होगा, ये थोड़ा दबा हुआ है तो ये छोटा होगा, ऐसा अनुमान हम लोग का है। और फिर इसको मापने के लिए भी कहा जा रहा है, तो माप लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मापने के बाद इसको लिखना भी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमाना होगा और इसको लाइन बाय लाइन मिलाते हैं, ये हो गया, ये 40 डिग्री आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री। और इसको मापते हैं, यहाँ पे ये हो गया 70 और 60 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि 65 डिग्री, 65 डिग्री, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 40 डिग्री और बी इक्वल टू 65 डिग्री, ये हो गया। तो इसमें से क्या बोल रहा है, विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर, मतलब कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल बी, एंगल ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्म दिस टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, ये दो एंगल जो बना हुआ है इन दोनों में से कौन बड़ा है, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग दैम, सबसे पहले अनुमान लगाइए और पता कीजिए, फिर इसको मेजरिंग मतलब माप के पता कीजिए कि कौन सा बड़ा है। तो इसका एक कोई नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट, और इसको सेकेंड नाम दे देते हैं, सेकेंड। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये ज़्यादा खुला हुआ है और ये थोड़ा सा दबा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सेकेंड एंगल जो है ये ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर प्रोटेक्टर लेते हैं, इसको मापते हैं, इसको घुमा लेते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर इस पर लगाते हैं, इसका माप आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 40 और 50 के बीच में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री है, इसको लिख लेते हैं 45 डिग्री। और इसको मापते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये कितना आ रहा है, 50 और 60 के बीच में आ रहा है, 50 और 60, इसका मतलब है 55 डिग्री, इसका मेजर हो जाएगा 55 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहा गया है, तो सेकेंड एंगल इज़ लार्जर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड एंगल इज लार्जर देन फर्स्ट एंगल। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और भरना क्या है इसमें, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट, ये चार चीज़ ही इसमें भराएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ के देखते हैं इसको, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, एक एंगल जिसका माप राइट एंगल से कम, लेस, लेस मतलब होता है कम, देन दैट ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल से कम, तो राइट एंगल से कम जो होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो इसमें हम डाल देंगे एक्यूट। यहाँ पे हो जाएगा एक्यूट एंगल। और क्वेश्चन नंबर बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, एक एंगल जिसका माप एक राइट एंगल से बड़ा हो, राइट एंगल से बड़ा, तो उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया। सीन नंबर में, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स, एक एंगल जो दो राइट एंगल को मिलाकर बने, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और दो राइट एंगल अगर मिलाते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, तो उसको 180 डिग्री एंगल को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। तो इसका मतलब है कि इसमें हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये हो गया। डी नंबर में, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, जब दो एंगल को मापते हैं तो उन दोनों को जोड़ने से एक राइट एंगल बनता है, देन इसका मतलब है कि उसमें से एक जो है वो किस प्रकार का एंगल होगा, तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो एंगल अगर मिलाते हैं और 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये हो गया। ई नंबर में, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, एक एंगल को मापते हैं वो स्ट्रेट एंगल बनता है, उसमें से दो एंगल मिलाया जाता है, दो एंगल मिलाने के बाद और उसको जब जोड़ा जाता है तो स्ट्रेट एंगल बनता है, एंड इफ़ वन ऑफ देम, तो उसमें से एक एक्यूट एंगल है, 180 डिग्री में से एक एक्यूट एंगल है, तो फिर दूसरा क्या होगा, तो एक्यूट एंगल है मतलब 90 से नीचे है, तो दूसरा जो है वो 90 से ज़्यादा होगा, और 90 से ज़्यादा का मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल, तो दूसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, यहाँ प्रत्येक फिगर में जो दिखाया गया है ये पिक्चर, इसको मेजर करना है मतलब मापना है, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज, सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ योर प्रोटेक्टर, और उसके बाद जो है उसको सही मेजर पता करने के लिए प्रोटेक्टर के द्वारा मापना है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि कितना डिग्री का एंगल होगा, इस तरह से आप अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा, मैं आपको प्रोटेक्टर से माप के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा, लाइन पे लाइन मिलाते हैं और यहाँ पे पता चल रहा है ये 40 डिग्री का है, फर्स्ट में 40 पे आ रहा है तो 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री, और सेकंड लेते हैं यहाँ पे लाइन रखते हैं और ये 130 डिग्री आ रहा है, यहाँ 130 डिग्री, तो इसको ले लेते हैं 130 डिग्री, और ये हो गया लाइन पे, ये आ रहा है 60 और 70 के बीच में आ रहा है, 60 70, तो 65 हो गया, 65 डिग्री, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 130 और 40 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 135 डिग्री, ये हो गया कंप्लीट। अब ये जो है 9 नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर, यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है क्लॉक में, इसको इसका जो हैंड्स दिया हुआ है इसके द्वारा इसके एंगल को पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ये बिल्कुल सीधा है, तो सीधा ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको बोला जाता है राइट एंगल, तो इसको हम लिख देते हैं राइट एंगल, राइट एंगल,
ये हो गया, और ये है 90 डिग्री से नीचे, मतलब कम का है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं लाइन पे इसको, ये हो रहा है 30 डिग्री का एंगल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एक्यूट एंगल, ये हो गया। और ये सीधा का मतलब है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और इसका लास्ट क्वेश्चन 10 और 11 दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है और ये दो क्वेश्चन ही लास्ट है। इन्वेस्टिगेट यहाँ पे पता करने के लिए कह रहा है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है इसका माप जो है वो 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इसी पिक्चर को देखना है, एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है उससे देखना है जिससे कि वो बड़ा दिखने लगेगा। अब तो फिर क्या कह रहा है, डज द एंगल बिकम लार्जर, तो क्या ये एंगल जो है 30 डिग्री का, क्या वो बड़ा हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा या 50 डिग्री का हो जाएगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या इस एंगल का साइज में बदलाव आएगा, क्या ये चेंज होगा, तो इसका सीधा सा आंसर होगा नो। आप नो लिखने से भी इसका आंसर पूरा हो जाएगा, नो इसका साइज में बदलाव नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज, इस तरह से लिख सकते हैं, नो द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज, एंगल का साइज में बदलाव नहीं आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें मेजर एंड क्लासीफाई इच एंगल, यहाँ पे जितने भी एंगल दिया हुआ है यहाँ पे साथ में इसका नाम लिखा हुआ है और इसको मेजर करना है ये कितने डिग्री का है और ये किस तरह का एंगल है। तो यहाँ पे जिस एंगल को मापने के लिए कहा गया उसको मापना है और यहाँ पे लिखना है। तो ए ओ बी सबसे पहले दिया हुआ है, ए ओ बी सबसे पहले इस एंगल को मापने के लिए कहा गया, तो माप लेते हैं यहाँ पे, इससे यहाँ रखते हैं इसको और ये हो रहा है 40 डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री इसको 40 डिग्री देते हैं, ए ओ बी 40 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट लिख देते हैं, एक्यूट एंगल। उसके बाद ए ओ सी, ए ओ सी ये क्या हो जाएगा, ए ओ सी ये हो रहा है 130 डिग्री यहाँ से यहाँ, और ये है यहाँ से यहाँ, ये 130 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद बी ओ सी, बी ओ सी इसको मापना है तो इसको घुमा लेते हैं, इसको लाइन पे मिलाते हैं, 90 डिग्री का ये एंगल है, ये है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री दे देते हैं, बी ओ सी 90 डिग्री, इसको राइट एंगल लिखेंगे, राइट एंगल हो गया। अब डी ओ सी, तो डी कहाँ है, डी ओ सी तो यहाँ से होगा, तो इसको यहाँ से घुमा लेते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, ये भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री का सिंबल दे देते हैं, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री देते हैं और यहाँ भी राइट एंगल लिखते हैं, राइट एंगल। डी ओ ए, डी ओ ए ये है, कैसे मापाएगा ये यहाँ से लेना होगा इसको इस तरह से, ये हो गया, और यहाँ पे इसका आ रहा है 140 डिग्री, ये हो गया 140 डिग्री, तो 140 डिग्री क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। डी ओ बी, डी ओ बी यहाँ से ये सीधी लाइन है, इसका मतलब है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री या डिग्री होगा, और तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, एस टी स्ट्रेट एंगल। ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। हमारे इस चैनल में इसी तरह का बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो आते रहते हैं, आपको अगर हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।